I want you to give me name of three cities of Nepal. Kathmandu. Yes. Bhutan. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? आपने पीछे छोड़ दिया लोगों को. अर्जित तनेजा. भूटान से. आप सीरियसली बहुत एक्साइटिंग हैं. आप जरूर. आई सीरियसली थॉट भूटान इज इन नेपाल. एक तो पहले कहता है कि भूटान इज इन नेपाल और फिर सारे लोग हंस रहे हैं तो कहता है आई सीरियसली थॉट भूटान इज इन नेपाल. अबे दिख नहीं रहा क्या सारे लोग हंस रहे हैं तुझ पे? Bhutan is again. Bhutan is with in. If it is not in Nepal, तो Bhutan कौन सी country में वो city? अगर तुम्हें लगता है वो city है तो. I don't know. You know? भाई मैं 100% श्योर हूँ ये जो दो लड़कियां यहाँ बैठ के हंस रही है ना पता इनको भी नहीं होगा लेकिन सारे लोग हंस रहे ना तो ये भी हंस रही है कि हाँ भाई आंसर तो गलत दिया लड़के ने. ये दिखाता है जब बच्चे 15 साल की एज में कुकर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें नहीं मालूम होगा कि भूटान एक खुद की कंट्री है. Out of the three, 1 kg gold, 1 kg cotton and rubber, which is the heaviest? Cotton. इस लड़के को छोड़ो ये तो बेवकूफ है. एक बार इस लड़की को ध्यान से देखो इसकी शक्ल पे लिखा है कि आंसर तो इसे भी नहीं पता लेकिन मन ही मन सोच रही है बच गई यार अच्छा हुआ मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा. सॉरी गोल्ड 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 गोल्ड. चलो इस क्वेश्चन के लिए तो हम फिर इस लड़के को माफ कर सकते हैं क्योंकि पहली बार जब कोई क्वेश्चन सुनेगा कि रबर गोल्ड और कॉटन इनमें से कौन सा भारी है तो यार वो यही सोचेगा गोल्ड ज्यादा भारी है पर वो ध्यान से ये नहीं सुनता ना कि सब कुछ 1 किलो है. पंद्रह साल की उम्र में नहीं बेटे गोल्ड बिल्कुल नहीं. मैं सोच रहा था कि इस लड़के को माफ कर देते हैं कि चलो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन भाई ये तो पीछे ही पड़ गया. आई सेड गोल्ड बोली जा रहा है. अबे गलत है तेरा आंसर समझ नहीं आ रहा तुझे? ये तो मर्दों का आलिया भट्ट निकला. अर्जित तनेजा फॉर यू गाइस. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर? देखो यार स्कूल में और कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए ये जरूर पढ़ाते हैं कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 60-65 साल के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर तक को पता होगा तो मैं नहीं मान सकता कि इस क्वेश्चन का आंसर ये बंदा गलत देगा. 365 डेज 366 डेज. मार इसको मार भाई मार मेरी तरफ से भी 2-4 मार. 366 डेज मार इसको. नहीं बाल खराब हो जाएंगे. बाल खराब हो जाएंगे. नेशनल टीवी पे इज्जत की धजिया उड़ रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बालों की चिंता है. Which is the nearest star to planet Earth? अब जिस बंदे को ये नहीं पता कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं उससे ये उम्मीद करना कि उसको नियरेस्ट स्टार जो कि सन है ये पता हो पॉसिबल ही नहीं है तो ये क्वेश्चन तो इस बंदे से ना होगा. मून. बट मून इज ऑल्सो स्टार. मून इज अ स्टार. कौन से स्कूल में थे तुम? नाम बताओ अपने स्कूल का. I can't name. इस चेहरे को पहचान लीजिए. प्लूटो इज़ अ प्लैनेट. तुम्हें पता है बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं अगर तुम्हें पता ना हो ना कुछ तो चुप रहना चाहिए. मुंह खोलोगे तो बेइज्जती होती है. ये लड़की स्टार्टिंग से शो में चुप बैठी हुई है लेकिन इसने मुंह खोला तो भाई दिखा दिया पता इसे भी कुछ नहीं है. प्लूटो इज द फार्थेस्ट. अबे प्लूटो प्लैनेट है इट्स नॉट अ स्टार. बट एवरी प्लैनेट इज अ स्टार ऑन द कैमरा. ओ माय गॉड This is breaking news. Every planet is a star on the camera. ये तो कोई नई थ्योरी निकाल दी इस लड़के ने. Every planet is a star. On the camera वापस बोल रहे हैं. Every planet is a star. इनसे बड़ा. Bad guy. Or every star is a planet. Something like that. No, I don't know. Some He's, line like that. In his book, na half of the pages were torn. Yeah. सही कहा है श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कि आता हमें भी कुछ ना हो लेकिन जब दूसरे का मजाक उड़ रहा होता है तो ताली बजाने में मजा बहुत आता है. अर्जित आई एम अमेज्ड. आई एम ग्रेटफुल दैट यू केम ऑन माय शो. इट वाज अ वेरी enriching experience. विकास भी सोच रहा होगा कहां गवारों के बीच में फंस गया. खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. यार तुम लोग जब मैसेज करते हो ना इंस्टाग्राम पे बहुत मजा आता है यार रिप्लाई करने में. एंड अगर तुम ट्रेंडिंग न्यूज इंटरनेट पे जो भी ट्रेंड कर रहा है वो सब देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू चेक आउट बच्चा न्यूज ट्रेंड. कमेंट्स में मेरे को बताओ वीडियो तुमको कैसी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.